लगता है प्रज्ञा आ गई। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं बताऊंगी कि मैंने इसे देख लिया है, बेकार में डर जाएगी ना। हाँ छुप जाती हूँ। इसे लगता है कि ये अपनी दादी की नजरों से बच जाएगी। चलो कोई नहीं, सो जा बेटा, कल सुबह सुनूंगी इस रात की कहानी। प्रज्ञा बेटा, जानती है मोहल्ले वाले तेरी दादी को किस नाम से बुलाते हैं? अप टू डेट दादी। बैंक में मेरा अकाउंट हो या ना हो, लेकिन हाँ, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, स्नैपचैट पर, सब जगह मेरा अकाउंट है। 5,000 फॉलोअर हैं मेरे, इसका मतलब 10,000 आंखें एक्स्ट्रा। किस घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब खबर मुझे घर बैठे होती। तो फिर हमारे घर में क्या हो रहा है उसकी खबर मुझे नहीं होगी। मैं मान गई आपको अप टू डेट दादी, बिल्कुल मान गई। लेकिन तेरी माँ कम मानती मालूम है? कल रात को उसको सुलाने के लिए मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े। पापड़ बेलने पड़े मतलब? अरे हाँ, तुझे पता है ना, जब रात को तू 10 बजे के बाद बाहर रहे तो तेरी माँ के वैसे ही 12 बज जाते, और जो सेकंड की सुई है ना वो तो डबल स्पीड से चलनी शुरू हो जाती है। मैंने क्या किया, उसकी घड़ी की बैटरी निकाली बाहर और उसको सोने के लिए भेज दिया। कैसे? अरे जब वो रसोई में पानी पीने गई, मैंने जाके बोल दिया अभी आया था प्रज्ञा को छोड़ गया, बहुत थकी हुई है, मैंने उसे सोने भेज दिया और उसको सुला दिया। आपने मुझसे झूठ बोला? तो तू कान लगाकर हमारी बातें सुन रही? बीजी आपसे ही सीखा है मैंने, माइके से सीख के नहीं आई थी मैं। पर ये नहीं सीखा, जब दो समझदार लोग खास बातें कर रहे हो रोमांस की, तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। पता भी है मैं कल रात क्या क्या हुआ वो जानना चाह रही। बीजी वो अभी भी सुनाएगी, और आप अकेले क्यों सुनोगे उसकी स्टोरी, मैं भी सुनूंगी। चल मुझे भी सुना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं सोई नहीं थी, मैं जाग रही थी, और मैंने खुद देखा खिड़की से कि कैसे अभी तेरा दुपट्टा संभाल रहा था। चल बता क्या क्या हुआ। अरे पीछे देखो कैसे शर्मा रही है छोटे बच्चों की तरह। हम तेरे पति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा आप लोग सोच रहे, वो तो कुछ और ही बातें कर रहे थे। क्या? हाँ दादी, और जो बात कर रहे थे वो मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या बोल रहे थे। मुझे हॉट और कूल दोनों देखना चाहते, और मेरा मॉडर्न रूप दिखाना है उनको। और दादी आप पहले मुझे ये बताओ, एक ही इंसान एक ही वक्त पर हॉट और कूल दोनों एक साथ कैसे हो सकता है? अच्छा तो ये कहा उसने? हाँ मैं समझ गई। अब तो देखना तुझे हॉट एंड कूल बनाने के लिए अभी क्या क्या करता है। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले हाँ, से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा, हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर? बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। हेलो
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखनी है ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगी। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या? अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे चोट नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक? नाक तोड़ देंगे आप मेरा? तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी बात